हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलों? दोस्तों, आज हम शाम के स्नैक्स के लिए मेरी वाइफ केक बना रही है और मैं उसके करूंगा। देखते हैं, मैं बना रही हूँ। देखते हैं उन्होंने क्या क्या चीजें उसके लिए उठाई हैं केक बनाने के लिए। तो सुनाना जी, बताइए हमारे दर्शकों को। अभी तो पहले हमारे पास शुगर, जो बूरा होता है, शुगर का पाउडर होता है, वो नहीं था, तो इसलिए मैंने शुगर को उड़ेगा ये नहीं उड़ेगा पहले मैंने शुगर को ग्राइंड कर लिया। अब पहले मैं उसको थोड़ा छान रही हूँ। अच्छा, अब आप ये बताओ, ये मैंने कभी नहीं बनाया, हो सकता है गंदा बन जाए। अब आप ये बताओ कि आपको कैसे फील हो रहा है? आप 3-4 दिन हॉस्पिटल में काट के आए थे, उसके बाद 3-4 दिन हो गए आपको, क्या आप ये सब काम करते हुए कंफर्टेबल हो? हाँ, थोड़ा बहुत, अगर बैठ ही रहूंगी पूरे दिन तो फिर और काम नहीं होगा, मतलब बॉडी थक जाती है बैठे बैठे भी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत काम करना। तो अभी आपने कौन कौन सी चीजें इसके लिए उठाई हैं केक बनाने के लिए? मैंने शुगर लिया। तो आप थोड़ी सी हमारे मतलब को साइड बता दो, क्या बनाओगी, तब जब बन जाएगा उसके बाद जो मैं बनाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी साथ। अच्छा, तो दिखाओ। तो ऐसा है कि इन्होंने 5-6 आइटमें उठाई हैं केक बनाने के लिए। इन्होंने मतलब चीनी, मैदा, ऑयल, बेकिंग पाउडर, और ये दो मैं मतलब चॉकलेट्स भी अभी लेकर आया हूँ, ये वाली डेरी मिल्क की। तो बता रही मैं, मैंने चीनी आपने कभी पहले अपनी मम्मी के घर बनाया है ऐसा केक? मैंने नहीं बनाया। तो आपने कहा था एक बार हमने ट्राई किया था? नहीं, हमने नहीं। आपने एक बार कहा नहीं था? तो ऐसा है कि चलो अब देखते हैं कि ये और दूध भी चाहिए, और हमने इन्होंने थोड़ा सा मतलब दूध भी लिया है, तो अभी मतलब दूध पियेंगे भी, और 1 मिनट डालेंगे। आप भी हमें देखकर जरूर केक बनाइएगा, ठीक है? प्लीज ले लो। अगर बेकार बन गया फिर ले लो। ये है मम्मी, आपका क्या बोलना है उसके बारे में? इस बारे में एक बन रहा है तो क्या बोलना चाहोगे? एक बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करना चाहिए बनाने के लिए। अच्छा। एक बार गलत बनेगा तो दूसरी बार सही बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे ना स्वीटी जी तो है नहीं, अगर होती तो आप कुछ खिलाते, तो अभी जो एक बन जाएगा ना तो हम आपके मुंह में खा लेंगे इधर से। आप खा लेना। हाय 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 स्वीटी जी, ये हमारे ट्रायल मेंबर की फोटो, अच्छी लग रही है ना? आप आ जाओ ना यहाँ पे, आप अंदर सोते पाए हो तो आप 14 कहने पाए हो कि केक बड़ा हुकुम नहीं है। उछल गई ना, गलती से बीत गई थी, पीस दी मैंने, जो बच गई वो रखो, वो छान के करें। हम आज मैं मैदा छान के डालो, सब कुछ कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ, बिना छान ही है। आप क्या है,
चल छोटी चलने ना दे लग ठीक है मम्मी पूरा डाल दे ये कह रही ना ये ऐसे इतना इसमें कितना डालना है हिसाब से डालना हाँ मतलब तो अगर ये नहीं डालेंगे फिर सख्त करेंगे ना और डाल थोड़ा थोड़ा तो अभी हम देखते हैं कि केक कितनी देर लगती है बनने में अब तक आप हमारे बने रहेंगे अभी हम देख रहे हैं अभी हमने बेक किया केक को अराउंड 15-20 मिनट हो गए हैं फिर देख रहे हैं केक कहाँ तक बना है सुनाना जी दिखाइए केड़ा प्रसाद बन गया अरे ये तो अभी मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा और लगेगा ना आधा घंटा लगा के चलो आधा घंटा लगा के चलो तो आपने कुकर में क्या चीज डाली है इसके नीचे हमारे पास अमर की डाली पड़ी वो नहीं था हमारे पास क्या कहते हैं आपने क्या करें नमक डाला है पेपर होता है ना वो नहीं था कुछ नहीं डाला हमने तो आपने उसमें डाला है तो आपने चारों मतलब ऑयल लगाया और नीचे थोड़ा सा मैंने मैदा लगा दिया जिससे वो चिपके ना तो अगर मैदा सड़ जाए फिर ऐसे कैसे सड़ जाए नहीं सड़ेगा तो पहले ऐसा है आपने हमारा केक बनने वाला है और जैसे बनता है हम आपको बताएंगे और आपके साथ हम केक को मतलब खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे तब तक आप हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा खराब बने फिर छुपा दूंगी खराब बना फिर नहीं दिखाएंगे क्यों नहीं दिखाएंगे दिखाएंगे जैसे भी बनाया है हम उसे खाएंगे और सबको दिखाएंगे दोस्तों इतनी मतलब इतना अराउंड 40-50 मिनट हो गए हैं बस केक बनने वाला है बहुत जल्दी और जैसे बनता है हम आपके सामने खाएंगे और आपको खिलाएंगे आपको नहीं खिलाएंगे कोरोना है गंदा केक बना है गंदा क्यों अच्छा क्यों नहीं बना अच्छा बना है पर अभी बन रहा है आता नहीं अपने बनाया अपने मम्मी मिट्टू अपने मम्मी मिट्टू हम नहीं बनते ये कैसी आवाज आ रही है हमारे पिताजी भी आ गए हैं बड़ी देर से वो मतलब बाहर थे तो अभी अभी वो आए हैं और सुनो 18 तारीख को उनका बर्थडे भी है तो आज उनके लिए स्पेशल उनकी बहू ने उनके लिए मतलब केक बनाया है तो आप खुद खोलना है इसके बारे में सर श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक जो हमें समय दिया गया है मैं थोड़ा लेट हो गया था आइंदा से ठीक 5 बजे अपने मैं घर में रहूंगा मैं सिर्फ आपको एक बात मैसेज करना चाहता हूं कि पूरे विश्व के अंदर जो भी हो रहा है आपके सामने ही है अपनी केयर करना बहुत ही आवश्यक है मास्क लगा के जाओ बहुत जरूरी काम है तो बाहर जाइए अदरवाइज घर के अंदर स्टे कीजिए और जहां तक बर्थडे का सवाल है जो मेरा 18 तारीख को आया है आज मेरी बिटिया यानी मेरी बहू उसके दिमाग में एक बात आई क्यों ना पापा के लिए केक हमें बनाया जाए केक
केक वगैरह जो पहले बाजार से हम लेके आते थे, हम कोशिश ये करेंगे कि घर के अंदर ही केक बने और घर के अंदर ही आप अपने खुशी को बचाए, क्योंकि इस वक्त हमें क्या करना है कि घर के अंदर जो भी चीज बनानी है और मिल जुल के उसको श्रवण करना है, मिल जुल के उसको खाना है, और इसके साथ ही गुरु के चरणों में अरदास करनी है, कीर्तन करना है, मनी साहब जी का पाठ करना है। कल राजन देव जी महाराज जी का गुरु सी प्रकाश उत्सव और उन्हों का 26 मई को भी जो कि ज्योतक गुरप आ रहा है, इस पूरे समाज के लस्सी वंटी जाएगी, सारिया ने मिठी लस्सी पीनी है 26 मई को। जे वाहगुरु करे कि आपका बहुत जल्दी दूर हो जाए, असं गुरु महाराज के चरण में अरदास करे गए और सारे अरदास करो जी, बिरथी कभी न हो गई जन की अरदास, नानक जोड़ा पूरन होता वाहगुरु की बीमारी तो जितनी जल्दी हो सके सू छुटकारा मिले, असं अपने कम कार वास्ते ध्यान देिए और अपनी गस्ती को अगे बताइए। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। तो आपने देखा कि पिताजी अभी मतलब बाहर से आए हैं और इन्होंने आपको सारी चीज बताई आज की, तो अभी हम एक खाएंगे। अरे भाई ले आओ केक, हमारे मतलब सब्सक्राइबर भी मांग रहे हैं केक खाने, आपको खाना है? आ रहे हमारी सुनैना जी ने हमारे लिए केक बना दिया है, ये देखो हमारा केक देखो थोड़ा खा, हमने तो नहीं खाना ना, तो हम थोड़ा खा के देखते हैं। ऐसे ही कर लो, ऐसे ही हल्की सी फोटो तो खींच। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सर्कल में से शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बाय बाय।